हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक बाबू चैनल में आपका स्वागत है। और गाइज, आज की जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कैसे भी स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि गाइज, आज की वीडियो आपको बताने वाला है कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। गाइज, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की खासियत कुछ आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद में फिर आपको इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बताऊँगा। देखिए गाइज, खासियत इस यूनिवर्सिटी की ये है कि ये यूनिवर्सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में 100% और पूरी तरीके से वैलिड है। ठीक है, आप ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर के इसकी यूनिवर्सिटी की जो आपको डिग्री मिलेगी वो आप दिखा सकते हैं। आपको 100% हर जगह जॉब मिलेगी, हर जगह सारे काम आपके होंगे। अब गाइज, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर फीस भी बहुत कम है। साथ में आपको ये भी बताते हैं कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। स्कॉलरशिप यहाँ पर 100% फुल गारंटी के साथ मिलेगी। आपको कोई भी रिजल्ट में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हैंड टू हैंड आपको जो आपकी डिग्री मिलेगी, सारे रिजल्ट आपको हर तरीके से हर एक डेट पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और एग्ज़ाम की सारी चीज़ें डेट बिल्कुल फिक्स रहती है। कोई भी किसी भी तरीके की समस्या इस यूनिवर्सिटी में नहीं आती है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सभी कोर्सेज के यहाँ पर अवेलेबल है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, PhD, MPhil या फिर MBBS, जो भी आप करना चाहो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ स्टेप बाई स्टेप। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली और भी सही वीडियोज़ को आप देखते रहें और आपको जो है अपडेट। तो गाइज, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आकर के डायरेक्टली आप विजिट करें तो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सारी मिल जाएंगी जानकारियाँ। तो गाइज, मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा कौन कौन से कोर्सेज के एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो सारे कोर्सेज के यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं। UG, PG, डिप्लोमा या फिर कोई भी हो, MCA, MSc या फिर MTech या फिर PhD जो भी है, वो सारे कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। अगर डेट्स की यहाँ पर बात करें तो डेट्स सबकी चल रही हैं इस समय, कोई भी डेट जो है लास्ट नहीं हुई है। ठीक है, सारी डेट्स यहाँ पर चल रही हैं, UG, PG जो भी है। अब भाई चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। देखिए, अगर आप MCA करना चाहते हैं यहाँ से, तो MCA के लिए आपको BCA चाहिए। ठीक है, 10+2 आपकी ग्रेजुएशन लेवल होनी चाहिए, और आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो आपका स्कोर इन UPSC प्रोवाइडेड बाय काउंसलिंग के ऊपर रहेगा। अगर आप MSc करना चाहते हैं तो MSc के लिए आपको BSc चाहिए, और BSc में आपको 50% मार्क्स चाहिए, आपका मेरिट एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप MA करना चाहते हैं, MA करने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी आपकी काउंसलिंग के ऊपर रहेगा। अगर आप यहाँ से MLISC करना चाहते हैं तो आपको VLISC चाहिए या फिर VLIS चाहिए डिग्री विद 45% मार्क्स के साथ में। अगर आप यहाँ से MPH करना चाहते हैं तो आपको मेरिट एंट्रेंस टेस्ट चाहिए, जो कि आप देंगे, लेकिन आपको जो ग्रेजुएशन चाहिए वो भी किसी भी डिसिप्लिन की हो। अगर आप MED करना चाहते हैं तो आपको BED चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, मेरिट एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। अगर आप BPED करना चाहते हैं यहाँ से, तो सॉरी MPED करना चाहते हैं, तो आपको BPED चाहिए और BPA चाहिए, या फिर ठीक है आपका जो एंट्रेंस टेस्ट रहेगा वो आपका मेरिट टेस्ट पर रहेगा। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर आप यहाँ से MSW करना चाहते हैं, फिर भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी लाइन से हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से MTA करना चाहते हैं, तब भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और आपको किसी भी लाइन की जो है ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको चाहिए। अगर आप यहाँ से PG डिप्लोमा करना चाहते हैं, PG डिप्लोमा करने के लिए आपको इसी तरीके का कोई भी जो है ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप यहाँ से किसी भी तरीके का और भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ से VTech, BBA, BCA या फिर BLIS या फिर BPED करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ से BTech करना चाहते हैं तो आपको 10+2 चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका जो है बेसिस ऑफ स्कोर पर रहेगा। अगर आप BBA करना चाहते हैं तो आपको 10+2 चाहिए मैथमेटिक्स के साथ में, साथ में आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप BCA करना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको 10+2 चाहिए मैथमेटिक्स के साथ में, आपको 45% मार्क्स चाहिए। अगर आप MBFA करना चाहते हैं तो आपको 10+2 में पास होना चाहिए, मार्क्स की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से बी वोकेशनल करना चाहते हैं तो आपको 10+2 चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। ठीक है, अगर आप यहाँ से LLB करना चाहते हैं तो आपको 10+2 चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं मांगी है। अगर आप LLB इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं, तब भी आपको 10+2 चाहिए, कोई भी यहाँ पर परसेंटेज नहीं मांगी है। अगर आप BPA करना चाहते हैं, BPE के लिए आपको एक पास इन ट्वेल्थ में चाहिए, कोई भी यहाँ पर परसेंटेज नहीं मांगी। जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होंगे वही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब गाइस आप हम बात करते हैं BPED की। BPED अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किसी भी बैचलर की डिग्री चाहिए, आपको 45% मार्क्स चाहिए, आपका जो स्कोर रहेगा सिलेक्शन का वो आपका रहेगा मेरिट एंट्रेंस पर। ठीक है,
अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए आपको किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, ठीक है, और इसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप यहाँ से और भी कोई कोर्स करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट में, बी कॉम, बी एस सी या फिर बी ए, उसके लिए भी आपको सेम यही प्रोसेस चाहिए। लेकिन बी कॉम, बी एस सी, बी ए के लिए आपको कोई भी परसेंटेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 10+2 में पास होना चाहिए और आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइस बहुत ही आसान है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, स्कॉलरशिप भी आपको 100% यहाँ पर मिलती है और सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से यहाँ मिल जाती हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एडमिशन के डॉक्यूमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एडमिशन के डॉक्यूमेंट में आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर्स, आपका आधार कार्ड का नंबर जो होता है, ठीक है, आपकी मार्कशीट जो आप करना चाहते हो उससे प्रीवियस ईयर की, और आपकी जितना भी आप मतलब जो भी आपका नेम है, जो भी आपका एड्रेस है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब जब पर बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितनी देनी है, यानी कि एडमिशन फीस, तो वो आपकी 550 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। फीस भी यहाँ पर बहुत कम जा रही है, 550 रुपये सिर्फ, और तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस जाती है, तो बहुत ही कम फीस है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। कोई भी किसी भी तरह की समस्या आती है अगर आपको, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, हर तरीके से आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। कोई भी तरीके की समस्या आती है तो, और अगर आप चाहते हैं इसकी और भी ज़्यादा जानकारी लेना, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप डायरेक्ट विजिट करें और देख सकते हैं। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ऑल ओवर इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसकी लिंक मैंने एक उसके लिए चैनल बना रखा है जिसका नाम है ऑल यूनिवर्सिटी रिपोर्टर। आप उस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट और खबर मिलती रहेंगी। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फर्स्ट नंबर पर, आप वहाँ पर जाकर भी उसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं वीडियो पर, तब तक बाय बाय।